आज हम आपके सामने मिनी शेप्स जिसमें पिरामिड के बारे में बात करेंगे, उसकी नेट आपको बताएंगे कि किस तरह से पिरामिड को बनाते हैं, इसमें हम उनके फेसेस के बारे में भी जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पिरामिड शेप के लिए हमें एक ट्राइंगल चाहिए, जैसे कि हमने इसको काटा हुआ है 60 डिग्री एंगल के ऊपर, तो ये एक ट्राइंगल है। इसी ट्राइंगल की तरह हमें 4 ट्राइंगल्स रिक्वायर्ड होंगी उसकी नेट बनाने के लिए। तो हम 4 ट्राइंगल्स को जिनके बेसिस को पैरेलल लेके हम उनको उनकी नेट बना लेंगे और ये शेप आपकी कुछ इस तरह से बन के आएगी। और फिर जब हम इसमें थ्रेड को फिक्स कर देंगे, तो जब थ्रेड आप खींचोगे तो आप देखेंगे कि ये आपके पास एक पिरामिड की शेप है। इस पिरामिड की शेप से आप उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जान पाते हो और उसके बेसिस के बारे में और उसके कॉर्नर्स के बारे में जान पाते हो। थैंक यू।